दिन भर वो दीवाल चुनाता था अहमद बादशाह, तो वो दीवाल इसी ढंग से चुनाता था कि महाराज वो माणिक जोगी का आश्रम उसके अंदर आ जाता था, जो तीन दरवाजा उधर दूर रह जाता था, आश्रम उनके हद में आ जाता था। तो माणिकनाथ जोगी वहां भजन करते थे, दो चार कमरे थे, एक छोटी मोटी गौशाला थी, धुना था, अतिथि आवास था, अपना एक कुटिया थी, तो राजा ने तो अपना घेरा डाल दिया। तो जोगी साबरी मंत्र जपते थे, उसने कहा कि अहमद का बच्चा समझता क्या है अपने को, साधुओं की जमीन भी हड़प करता, भेड़ा राजाओं में अफाल रोगी, हा 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 डट्टा ही भेड़ा राजकारणी श्री राम, डट्टा 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 सिखना वजन का राजकारण में ट्रेनिंग वी चो श्री राम, मानो पंध करे करे बेचारा थक जी वजन, बेजो माल हड़प तो करे भेड़ा ही राजा। तो उसको लगा थोड़ा गुस्सा, गुस्सा लगा तो उसने उठाई सुई और धागा, उन दिन भर वो साबरी मंत्र जपता जाए, शाम को दीवाल चुनकर सैकड़ों आदमी चले जाए और वो महाराज जोगी क्या करे, उल्टत देव पलटत काया, उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया, देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, फुरो ईश्वरी आचा, ये धागा खींचे दीवाल धड़ा धुम, दूसरे दिन फिर दीवाल चुने, फिर दौड़ा धड़ाक दुम, ऐसे करते करते अहमद के तो नाक में दम आ गया, बोले क्या हुआ, फिर जासूस लगाए तो एक जासूस पर दूसरे जासूस लगे, आदमी गिराए तो पता चले ये तो मंत्र के बल से गिर रही है, आखिर पता चलाया और महाराज को अनुनय विनय किया और महाराज ने अहमद को जरा डांटा वांटा भी और कुछ श्राप देने को जा रहे थे तो गुरु महाराज आए हृदय में। गुरु महाराज ने कहा कि देखो माणिकनाथ, नाथ संप्रदाय के संत थे ये, अहमद कोई साधारण आदमी नहीं, अगले जन्म में ये साधु संतों की सेवा करता था, यशस्वी होने के लिए, भगवान को पाने के लिए नहीं, तो संत की सेवा व्यर्थ नहीं जाती, एक एक कदम चल के जो आदमी सत्संग में जाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, तो ये अगले जन्म का पुण्य आत्मा है और इसको परमात्मा नहीं चाहिए, इसको यश चाहिए, इसलिए इसके नाम का नगर बसेगा और तू इसको आशीर्वाद कर दे, श्राप मत दे। जब गुरु ने अंदर में प्रेरणा की तब माणिकनाथ ने अहमद को आशीर्वाद दिया कि बेटा ये कर्णावती जो नगरी है इसका नाम अहमदाबाद पड़ेगा, पहले कर्णावती नगरी था, अभी भी कई लोग कर्णावती नगरी लिखते हैं, तो कर्णावती नगरी का नाम अहमद के नाम से पड़ा, उसको अहमदाबाद बोलते हैं। तो बाबा जी ने जब आशीर्वाद दिया कि तेरे नाम से इस कर्णावती नगरी का नाम अहमदाबाद पड़ेगा तो वो खुश हो गया कि महाराज जी अगर आपका दुआ है तो फिर ये जो जगह आपके हम हड़प तो कर रहा हूँ लेकिन इस जगह को आपके नाम का चौक बनाऊंगा, तब से उस जगह का नाम माणिक चौक रखा गया। ये साबरी मंत्र में जो ताकत आती वो भी है तो परमात्मा की, लेकिन जो मंत्र जैसा रिदम से जपा जाता है उस प्रकार का उसमें सामर्थ्य होता है। कुछ मंत्र वैदिक होते हैं और कुछ मंत्र सांप्रदायिक होते हैं, जैसे शैवलोक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं, ये भी अच्छा है। गणपति लोग ओम गणानामपति गुंगवाह जपते हैं, और कोई ऐसे संप्रदाय वाले राधा स्वामी आदि या और संप्रदाय, राधा स्वामी वाले बोलेंगे ज्योत निरंजन ओमकार रारंकार सोहम सतनाम, ये भी अच्छा है अपनी जगह पर, लेकिन वैदिक मंत्र तुम्हारी छुपी हुई शक्ति कैसे जगाना इस बात का संकेत करते हैं श्री राम। उन वैदिक मंत्रों में ओमकार जो है सिरताज है, इसीलिए जो भी सनातन धर्म के संप्रदाय हैं उन्होंने ओमकार का सहारा लिया। कहते हैं कि सिख धर्म का पहला ग्रंथ है सुखमणि और सुखमणि का पहला वचन है एक ओमकार, वो परमात्मा एक है और उसकी ध्वनि ओमकार है। तो हम लोग जब हरि ही ओम जपते हैं तो हकार से हमारे नाभि केंद्र में आंदोलन पैदा होते हैं और ओमकार से हमारी सुषुप्त चेतनाएं जागृत होती है। सात बार हम अगर ओमकार का गुंजन करते हैं तो नाभि केंद्र के पास जो मूलाधार केंद्र है जीवन का स्रोत है उसमें वाइब्रेशन पैदा होते हैं, हताशा निराशा और भय के विचार दूर होने लगते हैं। उससे ज्यादा अगर हम जप करते हैं तो रोग के कीटाणु भाग खड़े होते हैं।
कुछ ऐसे मंत्र जिनको जपने से शरीर की तंदुरुस्ती होती है, उन मंत्रों का मैं उपयोग करता हूँ। हर रोज एक माला जपता हूँ, अभी भी दूसरा तो जप करते हैं लेकिन एक माला आरोग्यता के मंत्र की जप लेते हैं तो जप लेते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा। मंत्र जाप करे लेकिन मंत्र में दृढ़ विश्वास करके मंत्र जपे, और मंत्र में जितने अक्षर कम हो उतना मंत्र पावरफुल होता है। मंत्र जपने में जितनी रिधम सेट होती हो उतना जापक जल्दी सिद्ध होता है, उसका स्वभाव जल्दी बदलता है। मंत्र जपने में मनमाना मंत्र नहीं, अगर शास्त्रीय मंत्र है, वैदिक मंत्र है तो उससे लाभ ज्यादा होता है। फिर भी किसी भी भाव से भगवान का मंत्र समझ के जपने वे लोग अच्छे हैं, धन्य है। लेकिन यात्रा अगर तेजी से करनी है तो किसी जानकार व्यक्तियों के संपर्क में आकर उन महापुरुषों में के पास अगर आदमी थोड़ी साधना करता है तो उसको अनुभव होता है कि परमात्मा शक्तियां हमारे बीच कैसे चमक रही है। कुछ ऐसे संप्रदाय होते हैं कि सब व्यक्तियों को एक प्रकार का मंत्र दिया जाता है, पांचवी कक्षा का, नौवीं का, तीसरी का, चौथी का, सबको एक प्रकार का। और कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि सामने वाले की योग्यता जैसी हो उस प्रकार का मंत्र देते हैं। जैसे नारद जी थे, गुरु को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी नारद जी ने राजाओं को मंत्र दिया नमः तस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्य नमः तस्य। तो सामने वाला कैसा अधिकारी है, उसकी मनोवृत्ति कहाँ है, उस प्रकार का ख्याल करके अगर मंत्र दिया जाए तो सामने मंत्र लेने वाले साधक को जल्दी फायदा होता है। और सबको मिला के एक साथ गोरो गदव हाथी सिंह सबनी के एक पादो तो फिर उसमें उनको होता है कि हमने मंत्र ले लिया, मर जाएंगे तो गुरु कंधे पे बिठा कर हमको ले जाएंगे सच कंधे, लेकिन गुरु जी के कंधे तो यही ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाएंगे। ये तो केवल अपने को जरा थोड़ा हिप्नोटाइज करने जैसी बात है। श्री राम बिन कमाई नानका मुख साधन जोड़ कर। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति ये वेद प्रकाशा, ये भक्ति का पांचवा सोपान है। तो इस मंत्रों को जानने से इस जीव को घर में कलह को बदलना हो तो कैसे बदले। घर में स्वभाव हमारा अलग अलग है, झगड़ा होता है, पत्नी का अपना स्वभाव है, पति का अपना है, भाई का अपना है, ऐसा अगर स्वभाव हो जाता है तो क्या करना चाहिए कि थोड़ा धूप करके घर के लोग मिलकर लंबा श्वास लेकर राम कह दे, ओम कह दे, अथवा जिस मंत्र में विश्वास करते उस मंत्र को जपते हुए गहरा श्वास ले और एक साथ मंत्र जाप करें तो कुछ ही दिनों में कलह वाला स्वभाव स्नेह पूर्ण होने लगेगा। बच्चे की याद शक्ति बढ़ानी है तो अमुक प्रकार का मंत्र है वो जपने से बच्चे की याद शक्ति बढ़ती और बड़ा मेघा